सर है ना ही। देखो एमसीक्यू ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, हालांकि इसका आंसर दिया है बट फटाफट डिस्कस करके कुछ, अगर ऐसा एमसीक्यू मिला जो अपने को लग रहा है कि सर इसका डिटेल बात करना जरूरी है तो बात करते चलेंगे। तो पहला बोला था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 इज एन एक्ट डिफाइंड एंड एमेंड द लॉ रिलेटिंग टू चेक बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोविजन, तीनों के बात करता है एनआई एक्ट। अब बैंकर इंक्लूड, बैंकर किसको बोलते हैं? एनी पर्सन एक्टिंग एज एन एम्प्लॉय ऑफ एन बैंक, एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, एनी पर्सन एक्टिंग एज एन एजेंट टू एनी बैंक और पोस्ट ऑफिस, एनी पर्सन एक्टिंग एज एन एमडी। कोई जो बैंकर का काम कर रहा है, फिर चाहे वो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट हो या कमर्शियल बैंक, दोनों को बैंकर बोला जाता है। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोमिसरी नोट। देखो प्रोमिसरी नोट में ऑलवेज आई प्रोमिस या आई एक्नॉलेज ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए। तो आई एक्नॉलेज माई सेल्फ या आई प्रोमिस टू पे, इस तरीके से लैंग्वेज होना चाहिए। तो ये मिस्टर बी आई ओ यू रुपीज 1000, ये प्रोमिस नहीं लिख रहा है पे लैंग्वेज में, खाली ये बोल रहा है कि तुम मेरे से 1000 रुपया पाते हो। आई ओ यू का मतलब होता है आई ओ यू, मतलब हम तुम मेरे से पाते हो, ठीक है। तो ये प्रोमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि प्रोमिसरी नोट में एक्नॉलेज या आई प्रोमिस ऐसा कुछ लैंग्वेज होना चाहिए। इन अ प्रोमिसरी नोट हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व, प्रोमिसरी नोट में दो ही पार्टी होते हैं, प्रोमिसर और प्रोमिसरी। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होते हैं। एकदम और बाकी दोनों डॉक्यूमेंट में दो दो पार्टी। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रोमिसरी नोट, कंडीशनल कुछ भी नहीं हो सकता सर। देखो चारों पॉइंट क्या बोल रहे, कंटेंट्स अ कंडीशनल अंडरटेकिंग, यही बात प्रोमिस नोट में नहीं हो सकता। बाकी तीनों क्या बोल रहे हैं, एक अमाउंट मेंशन होगा बिल्कुल होगा, ये इन राइटिंग का बिल्कुल होगा, और यहाँ पे साइंड बाय द मेकर होगा बिल्कुल होगा। तो ये तीनों पॉइंट करेक्ट है, ऑप्शन ए नहीं है। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 एक्सटेंड टू ऑल ऑफ इंडिया, ये जम्मू कश्मीर वगैरह कोई एक्सेप्शन नहीं है, पूरे इंडिया में अप्लीकेबल है। अगेन बोला इनमें से कौन सा प्रोमिसरी नोट है, देखो विच इज अ प्रोमिसरी नोट, आई प्रोमिस टू पे, विच इज अ प्रोमिसरी नोट, आई प्रोमिस टू पे बी रुपीज 500 एंड टू डिलीवर टू यू माई बैक ब्लैक शू ऑन 1 जनवरी नेक्स्ट। यहाँ प्रोमिस तो नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रुपया के साथ कुछ और भी देने का बात हो रहा है, जबकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ क्या देने का बात होगा, पैसा। तो ये प्रोमिसरी नोट लग रहा है प्रॉमिस है, लेकिन यहाँ पे गुड्स आने के कारण ये तो प्रोमिसरी नोट। नेक्स्ट वाले में क्या लिखा, देखो आई प्रॉमिस टू पे बी रुपीज 500 7 डेज आफ्टर माय मैरिज विद सी, कंडीशन लगा के प्रोमिसरी नोट, यहाँ पे प्रॉमिस वर्ड है लेकिन कंडीशन लगा के प्रोमिसरी नोट नहीं हो सकता सर। आई एक्नॉलेज माय सेल्फ टू बी इंडेबटेड टू बी इन रुपीज 1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ये ठीक है कि जब मांगने आएगा हम उसको 1000 रुपया देंगे, इस बात को हम एक्नॉलेज करते हैं, ये प्रोमिसरी नोट का भाषा है। लास्ट वाला में क्या बोला है, प्रोमिस टू पे बी रुपीज 500 ऑन डीज डेट, अगेन कंडीशन लग गया है ना, तो ये भी प्रोमिसरी नोट नहीं है। तो प्रोमिसरी नोट में दो क्या काम का बात मिला अब तक सर, एक तो एक्नॉलेज या प्रोमिस ऐसा कोई वर्ड हो, और दूसरा विदाउट एनी कंडीशन। अब यहाँ बोला सेक्शन 5 ऑफ प्रोमिसरी नोट क्या चीज का बात करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ये याद करने का और कुछ नहीं। अ चेक इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड हैज बीन डिफाइंड अंडर जनरल क्लॉज में लिखा हुआ है, ये बात चेक का डेफिनेशन एनआई एक्ट में नहीं है, चेक का डेफिनेशन एनआई एक्ट में नहीं है, वो जनरल क्लॉज में लिखा हुआ है, ये भी एक याद करने लायक एमसीक्यू है बहुत काम का। इन अपील बाय द ड्रॉवर अगेंस्ट कन्विक्शन अंडर सेक्शन 138 द एपीलेट कोर्ट मे ऑर्डर द एपीलेंट टू डिपॉजिट सच सम विच शैल बी मिनिमम और टू कंपनसेट अवॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट। बड़ा गजब क्वेश्चन मुझे, मान लो हम तुमसे पैसा पाते हैं, तुम डिसऑनर कर दिए या पे नहीं कर रहे हो, हम तुम पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉप किया, तुम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर कर दिए, तो हम तुम्हारे अगेंस्ट में केस करेगा ना। हाँ सर,
ठीक है। अब कोर्ट जब केस को सुनेगा तब कोर्ट क्या ऑर्डर पास करेगा, एक बार के लिए कोर्ट बोलेगा 20% ऑफ द फाइन पहले जमा कर दो फिर आगे केस चलेगा। तो कितना ये वाला बहुत काम का बात है जो अपने नोट्स में नहीं पढ़े, अपने नोट्स में नहीं पढ़े ये वाला बात। इंस्टीट्यूट का मैथ को जब पढ़ रहे थे वहां पर ये बात हमको कहीं याद नहीं आ रहा कि हम लोग पढ़े, तो ये याद करने की बात है। इसे मिनिमम कॉम्पनसेशन कितना कोर्ट जमा करने पहले बोलेगा, 20% ऑफ द फाइन, ठीक है। ये बहुत अच्छा एमसीक्यू है याद करने के लिए। द लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉवर ऑफ अ फॉरेन बिल इज रेगुलेटेड इन ऑल एसेंशियल मैटर बाय द लॉ प्लेस हियर। फॉरेन बिल में जब बिल एंडोर्स्ड होगा तब उसके ऊपर सारे रूल अप्लाइड हो जाएंगे। फॉरेन बिल इंडिया में एंडोर्स होगा तभी उसके ऊपर अप्लाई होगा लॉ, ठीक है। फॉरेन बिल जब इंडिया में एंडोर्स्ड होगा तब उसके ऊपर लॉ अप्लाई होगा। व्हेन अ बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड, एक बिल को डिसऑनर कब मानेंगे, जब हम प्रेजेंट किया एंड द बिल इज नॉट एक्सेप्टेड, या जब हम सेवरल ड्रॉइंग मेड डिफॉल्ट इन एक्सेप्टेंस अपॉन बीइंग ड्यूली रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द बिल, या फिर ड्रॉइंग उस पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो जब हम बिल को प्रेजेंट किया सामने वाला एक्सेप्ट नहीं किया मतलब उसको पेमेंट नहीं किया, या फिर बिल को एक्सेप्टेंस ही नहीं किया गया, सभी केस को डिसऑनर बोलते हैं। बिल बनाया कि तुम्हारे पास लाए और तुम एक्सेप्ट नहीं किया वो भी डिसऑनर है, बिल तुम एक्सेप्ट कर लिए और बाद में पेमेंट नहीं किया वो भी डिसऑनर है, ठीक बात। अ प्रॉमिसरी नोट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू ऑर्डर इज नेगोशिएबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, मतलब हम सिर्फ एंडोर्स कर देंगे तो नहीं चलेगा। अगर हम डॉक्यूमेंट अपने पास रख लें और सिर्फ डिलीवरी कर दें और तुम्हारे नाम पे एंडोर्स नहीं करें तो भी नहीं चलेगा, बात समझ में आया। बिल अगर हम तुमको दे रहे हैं तो हमको तुमको एंडोर्स भी करना पड़ेगा और डिलीवरी फिजिकली भी देना पड़ेगा, तुम्हारे नाम पे पेपर ट्रांसफर भी करना पड़ेगा और तुमको फिजिकली भी वो पेपर देना पड़ेगा। दोनों में से एक कर रहे हैं एक नहीं कर रहे हैं उसको नेगोशिएबल नहीं बोलते, ठीक है, दोनों होना पड़ेगा। When the day on which a promissory note of bills of exchange is maturity on a public holiday, the instrument shall be deemed to be due on next preceding business day. लेकिन अगर वो public holiday की जगह national holiday हो तो इसके पहले वाला दिन, previous day, very good. A negotiable instrument dated 30 August 2017 is made payable 3 months after date. तो बताओ उसका मैच्योरिटी डेट क्या आएगा, तीस अगस्त है ना तो 3 महीना क्या होगा, 30 सितंबर, 30 अक्टूबर, 30 नवंबर, और उसके बाद 3 दिन ग्रेस का भी जोड़ेंगे तो 1 तारीख 2 तारीख अगले दिन से चालू करते हैं गिनना, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, तो 3 दिसंबर उसका मैच्योरिटी पेमेंट डेट आएगा, मैच्योरिटी डेट आएगा। इंस्ट्रूमेंट एंटाइटल्ड टू अ पीरियड ऑफ ग्रेस इज पेबल आफ्टर साइट बोलते हैं इस टाइप का बिल को, जिसपे इंस्ट्रूमेंट में ग्रेस डेज होता है इस टाइप का बिल को क्या बोलते हैं, पेबल आफ्टर साइट। पेबल ऑन डिमांड में ग्रेस डेज, पेबल ऑन डिमांड में ग्रेस डेज इन द लेंथ नहीं होता, पेबल ऑन डिमांड में ग्रेस डेज नहीं होता, पेबल आफ्टर साइट में केवल ग्रेस डेज होता है, ठीक है। ये भी एक बहुत काम का बात है याद रखने लायक, अच्छा एमसीक्यू, हम स्टार लगा रहे हैं इसको, अब तक 3 एमसीक्यू हमको बहुत शानदार मिला जिसमें स्टार लगाने लायक है, एक ये वाला, एक हमको ये 20% वाला क्वेश्चन नंबर 10, और एक कौन सा मिला था जो हम बोले थे बहुत काम के, ये तो और था जो बोला था बहुत अच्छा एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 9, ये कहां लिखा हुआ है, तो 9, 10 और 16 अब तक हमको ऐसा एमसीक्यू मिला है जो आपको अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो मन से तुक्का कुछ नहीं लगा पाओ, ठीक है।
When a provisional note of observation change are payable in which no time for payment is specified. तो 3 महीना में देंगे, 6 महीना में देंगे कि जब मांगोगे तब देंगे या विद इन रीजनेबल टाइम देंगे? सर जब मांगेंगे तब, अगर टाइम मेंशन नहीं है तो वो ऑन डिमांड पेमेंट होगा, जब मांगोगे तब पेमेंट होगा. व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट मे बी कंस्ट्रक्टेड आइदर एज अ प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसको प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या माने, मतलब दोनों में से एक मान सकते हो उसको, जब वो एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन हो, मतलब जिसपे क्लियरली मेंशन नहीं हो कि ये प्रॉमिसरी नोट है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, उस टाइप का इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं उसको, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट. ये भी एक अच्छा एग्जांपल मिला हमको, स्टार लगा रहे हैं. व्हेन अ प्रॉमिसरी नोट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन एज टू कंस्टिट्यूट अ पर्सन द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सेट टू बी, अरे जब किसी को ट्रांसफर करते उसको क्या बोलते हैं? नेगोशिएशन कार्ड, नेगोशिएट करना होता है ट्रांसफर कार्ड. विथ सेक्शन ऑफ एनआई डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, याद कर लो, कुछ काम बात नहीं बोल सकते इसमें. सेक्शन 13, अ प्रॉमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेएबल डैश विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल ऑन विद द ओनली लास्ट एंडोर्समेंट और एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, जब एंडोर्समेंट इन ब्लैंक हो या नाम मेंशन नहीं हो तो ये पेएबल क्या होता है? पेएबल टू बियरर, जिस जो इसकी जिसके हाथ में कागज वो उसका मालिक, उसी को पेमेंट होगा. अ प्रॉमिसरी नोट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर ड्रॉन मेड आउट ऑफ इंडिया एंड मेड पेएबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. पेएबल आउटसाइड इंडिया पहले, बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया पहले बोल दिया, मतलब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो गया. A holder in due course of an negotiable instrument can sue on the instrument in his name, can sue only if permitted by the competent court, can sue the instrument if permitted by the payee, cannot sue. अपने नाम से डायरेक्ट केस कर सकते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स. अच्छा एमसीक्यू, इसको भी स्टार लगा रहे हैं. अब तक 5 एमसीक्यू मिला, कुछ स्टार लगाने लायक. Who is entitled at the time of loss or destruction of a note will by check. कौन इसका जिम्मेदार होगा? सर होल्डर ही जिम्मेदार होगा. द होल्डर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक मींस, होल्डर किसको बोलते हैं? जिसके नाम पे वो डॉक्यूमेंट एंटाइटल्ड है और जिसको पैसा रिकवर करने का राइट है. पिछले पार्टी से उसको पैसा रिकवरी करने का राइट मिला और उसके नाम पे भी डॉक्यूमेंट है, उसी को बोलते हैं होल्डर, मतलब मैच्योरिटी पे जो पैसा लेने का राइट रखते हैं. ठीक है. द मेकर ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक इज कॉल्ड, ज्ञानबाजी वाले आंसर था, ड्रॉवर को बोलते हैं. जो चेक बना बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉवर. अ चेक इज अ डैश ड्रॉन अपॉन स्पेसिफाइड बैंकर, एक चेक को क्या मानते हैं? किस टाइप का है वो? बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा. Who is no, what is not true about the bills of exchange? Sir, conditional, it can a conditional or no, it can't. ये बात true नहीं है. बाकी क्या बोला? In writing होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. Signed होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. Sum of money mentioned होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. Again, why provision not किस act में define किया है? Section 4. NI Act किस दिन इंडिया में किस दिन enforce हुआ था? अगेन याद करने लायक एमसीक्यू है और कुछ नहीं बोल सकते. अ प्रॉमिसरी नोट एन इंस्ट्रूमेंट टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, किसको पे करोगे? टू द ऑर्डर या सर्टेन पर्सन, मतलब या तो जिसका नाम मेंशन है उसको या वो जिसको बोलेगा, मतलब वो जिसको एंडोर्स किया उसको. तुम दोनों में से अगर तुम्हारा नाम लिखा है तो उसको पे होगा और अगर तुम किसी और को एंडोर्स कर दिया तो उसको पेमेंट होगा. द नेचर ऑफ प्रॉमिसरी नोट इज इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू द ड्रॉई टू पे द पेई. प्रॉमिसरी नोट में ड्रॉवर ड्रॉई ड्रॉवर बना के नहीं देता है, ड्रॉई को वो नहीं बोलता है कि तुम हमको पे करोगे. इट कंटेन्स अनकंडीशनल प्रॉमिस, यहां पे ऑर्डर नहीं होता ना,
प्रॉमिसरी नोट में ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर किसमें होता है? प्रॉमिसरी नोट में ऑर्डर नहीं होता, हाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है सर। प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस टू पे होता है और स्पेसिफाइड बैंकर वाला में चेक होता है। इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज द एक्सेप्टेंस इज, ये क्या ऑप्शन था, द एक्सेप्टेंस इज डॉट डॉट, इट डिपेंड ऑन द केस ऑफ बेसिस ऑफ नेसेसरी द बिल इज पेएबल आफ्टर साइट। एक्चुअली में जो ऑप्शन ए नहीं होगा, ये क्वेश्चन का पार्ट होगा। इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज द एक्सेप्टेंस इज, इट डिपेंड ऑन द केस टू केस बेसिस नेसेसरी द बिल इज पेएबल आफ्टर साइट। एक्सेप्टेंस जरूरी है कि नहीं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? हाँ सर। तो ये भी डिपेंड्स क्यों बोला है, एक्सेप्टेंस पहला ऑप्शन होगा तो एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी और आंसर भी वही हो, या फिर गलत है। हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज? थ्री। विच अमंग द फॉलोइंग इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? बैंकर्स डिमांड ड्राफ्ट। हाँ, बैंकर डिमांड ड्राफ्ट को ये पता है कैसे, तुम प्रॉमिसरी नोट बोलते हो। बैंक का डिमांड ड्राफ्ट एक प्रॉमिसरी नोट का नीचे है, बाकी तीनों करेंसी नोट, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी, ये बिल्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आते। व्हेन द एंडोर्सर साइंस हिज नेम ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ओनली द एंडोर्समेंट इज सेड टू बी, सिर्फ साइन किया बगैर नाम नहीं लिखा है, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। द इंटरिम कंपनसेशन शैल बी पेड विद इन डैश फ्रॉम द डेट, अगेन याद रखने लायक एमसीक्यू, स्टार लगा रहे हैं। कितना दिन, जब कोर्ट ऑर्डर दे देगा उसके कितना दिन के अंदर अंदर कंपनसेशन पे हो जाना चाहिए? 60 डेज, याद रखने लायक एमसीक्यू है। पांच या छह, तो छह ने सात टोटल स्टार लगाए हैं। इस पीडीएफ को दोबारा देखना खोल के और तुरंत उन क्वेश्चंस को एक जगह नोट कर लेना एग्जाम की मॉर्निंग देखने के लिए, जहां पर भी तुम्हारा एनआई का नोट्स है वहां पर। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द चेक, फिर वही बात कंडीशनल ऑर्डर वाला ज्ञान। द पर्सन हु डायरेक्टेड बाय द मेकर ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू पे इज कॉल्ड, कौन पे करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? ड्रॉइंग सर, फालतू एमसीक्यू था। द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू हुम इट ऑर्डर द मनी, कौन जिसको पैसा मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? पे। ऑब्जेक्टिव तो गया, मैनेजमेंट में चले। हाँ सर। द टर्म कम्यून डेराइव फ्रॉम द वर्ड, कहाँ का है, लैटिन ग्रीक क्या है ये? ग्रीक है ना? हाँ सर। एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं पीडीएफ में। आई थिंक इसके आंसर्स गिवन है कि नहीं पता नहीं, नहीं आंसर्स गिवन नहीं है, कोई नहीं। द टर्म कमिंग डेराइव फ्रॉम, चलो ठीक है, ये ग्रीक था। नंबर टू, स्केलर चेन मींस, कल किए थे ना ये? डी नंबर क्या था, स्पैन ऑफ कंट्रोल। हाँ डी नंबर होगा, लेकिन कल ये किए थे क्या? नहीं, वो कम्युनिकेशन में भी था। हाँ, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज एसोसिएटेड विथ, ये है तो पूरा कम्युनिकेशन है, ठीक है तुम्हारा। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन एसोसिएटेड विथ इनफॉर्मर। लेटरल कम्युनिकेशन इज बिटवीन सेम कोर ऑफ पर्सनल, हाँ सेम कैडर ऑफ पर्सनल, मतलब सेम लेवल पे हो तुम। एक्स एंड थ्री वॉज इंट्रोड्यूस बाई ग्रेगर है ना? ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन डैश कंबाइंस बोथ ऑडिटरी एंड विजुअल, बहुत ऑडिटरी कुछ नहीं, हाँ बहुत ऑडिटरी एंड विजुअल, ठीक। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अदरवाइज नोन एज बैरियर्स,
ऐसा आ जाए एग्जाम में मजा आ जाए। कम्युनिकेशन मीन गैस इंफॉर्मेशन फीलिंग एंड थॉट विद अदर एक्सचेंज ऑफ। पोस्टर फॉल्स अंडर डैश कम्युनिकेशन विजुअल नहीं पोस्टर विजुअल की रिटर्न विजुअल हाँ विजुअल 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 एक बार चेक कर सकते हैं हमको। विजुअल विजुअल सही है विजुअल। एक मिनट कम्यून जो है ना वो ग्रीक वर्ड नहीं लैटिन वर्ड है। कम्यून जो है वो लैटिन वर्ड है ठीक है। ये याद रखना पूछने तो चांस है इसका। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अदरवाइज नोन एज रिपीट पूछा ऊपर ग्रेपवाइन ऊपर पूछा ग्रेपवाइन इज नोन एज यहां पूछा इनफॉर्मल इज नोन। जेस्चर कम्युनिकेशन इज ए नॉन वर्बल। व्हेन द सुपरवाइजर कमांड सबॉर्डिनेट and as close supervision is called democratic लग तो democratic भी रहा है लेकिन ये autocratic भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है commands बोल रहा है direct supervisor commands subordinate direct command देता नहीं ये autocratic हो सकता है। तो autocratic में क्या होता था ऑटोक्रेटिक में क्या होता है सिर्फ बॉस बोलेगा और जूनियर चुपचाप करो। जैसे जब हम झाड़ता है तो हम होता है ना कि सिर्फ हम ही बोलेगा तुम नहीं चुपचाप सुनो और जो हम बोल रहे हैं वो करो वैसे उस समय हम क्या हो जाता है हिटलर यानी ऑटोक्रेटिक। फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन आर डैश टाइम एंड डिस्टेंस। फिजिकल बैरियर बोला है ना फिजिकल बैरियर तो वो टाइम एंड डिस्टेंस के कारण जो बैरियर होगा ना। इंटरप्रिटेशन बैरियर क्या हो गया वो तो हो गया साइकोलॉजिकल। डिनोटेशन मतलब वर्ड का अलग अलग मीनिंग डिनोटेशन कॉनोटेशन मतलब एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग। यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस के कारण फिजिकल कम्युनिकेशन होगा मतलब फिजिकल बैरियर आएगा। टाइम इवेंट नेटवर्क इज ये देखने लायक है बट शायद पार्ट है लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। टाइम इवेंट नेटवर्क हाँ पार्ट पार्ट इज अ टाइम इवेंट। कम्युनिकेशन इज डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स शेयर हाँ। कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विथ सेंडर और एंड्स विथ फीडबैक। द ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज डिवाइज बाई एफ डब्ल्यू टेलर वॉज टेलर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बोलता है फंक्शनल आई थिंक फंक्शनल लेकिन फिर भी चेक करेंगे। फंक्शनल टेलर फंक्शनल बोला था यानी फ्यूल कौन सा बोलेगा फिर डिविजनल। द नंबर ऑफ की एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज सेंडर हाँ सेंडर मैसेज एनकोडिंग मीडियम डिकोडिंग रिसीवर एंड फीडबैक सेवन होगा बेटा। सेंडर एक मैसेज भेजेगा उसको एनकोड करेगा पहले उसको एक मीडियम में डालेगा या चैनल में डालेगा सामने वाला उसको डिकोड करेगा मतलब रिसीवर और उसके बाद उसका फीडबैक। तो एक दो तीन चार पाँच छ सात ठीक है। द टू ब्रॉड एरियाज ऑफ कम्युनिकेशन आर ओरल एंड रिटन
बट वर्बल एंड नॉन वर्बल भी है और भी वर्बल एंड रिटन नहीं, वर्बल एंड रिटन तो नहीं लेकिन वर्बल एंड नॉन वर्बल भी ब्रॉड एरिया हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन पहले ठीक से दिया नहीं है क्योंकि ब्रॉड एरिया तो वर्बल नॉन वर्बल भी होता है। वर्बल के अंदर फिर ओरल रिटन आता, हाँ वर्बल के अंदर फिर ओरल रिटन आएगा ना, हाँ तो आंसर सी होगा बेटा, वर्बल है नॉन वर्बल। उनसे तुम मेरा कोई बात समझ रहे वो क्या नॉन वर्बल। नॉन वर्बल मतलब जहाँ शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है, वर्बल मतलब जहाँ शब्दों का प्रयोग हो रहा है, समझे? हाँ सर। तो ये जो हम समझाए क्या था, वर्बल की नॉन वर्बल, वर्बल। अब वही जब हम तुमको आगे पीट के समझाए नॉन वर्बल एकदम। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लोस थ्रू सर, फिर वो क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ अच्छा, वो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक, वेरी गुड। तो तुम कम्युनिकेशन को लॉ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन मेरे पास एक पॉइंट होगा कि हम तुम लोगों को अपनी फेवर में लेके उसको पीटेगा ताकि तुम लोग मेरे फेवर में गवाए तो कि नहीं नीरज सर नहीं पीटे थे, तो वो क्वेश्चन प्रूव नहीं होगा तो फिर मेरा काम भी हो जाएगा और आनंद कुछ कर भी नहीं। लॉ का टीचर है ना तो प्लान बना के करेगा काम। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लोस थ्रू सर ऑल ऑफ द अबव, फेस टू फेस भी तो बात हो सकता है दो मैनेजमेंट के बीच में, टेलीफोनिक टॉक भी हो सकता है, पीरियडिकल मीटिंग भी हो सकती है। Which of the following combination are example of oral communication? Meeting, memos and presentation, meeting, memos and performance, meeting, presentation and performance, all of them, all of them. All of them. Which of the following combinations are example of written communication? Letter and voicemail, report and email, circular and voicemail, all of them. वॉइस मेल रिटर्न कैसे होगा? वॉइस मेल में एक्चुअली में रिटर्न इसलिए होते हैं क्योंकि हम वॉइस अटैच करके मेल में भेजें, मतलब हम कुछ बोले जैसे तुम लोग कहते हैं ना व्हाट्सएप पे अपने कि आपने कुछ बोल के छोड़ दिया वो मैसेज सामने वाला सुन लेगा, हालांकि वो ओरल होता है लेकिन ओरल का एग्जैक्ट मीनिंग है कि जहाँ पे हम तुमको तुम्हारे चेहरे पे फेस टू फेस मिल के कुछ बोले, और जब किसी अटैचमेंट के थ्रू भेजते हैं उसको ओरल नहीं बोलते, लेकिन यहाँ हिसाब से तो ऑल ऑफ देम आंसर होना चाहिए क्योंकि अगर तुम खाली रिपोर्ट एंड ईमेल लेगा तो लेटर कहाँ गया? हाँ सर, एक मिनट रुको चेक कर लेते हैं, इस वॉइस मेल और रिटन कम्युनिकेशन इज वॉइस मेल रिटन कम्युनिकेशन वॉइस मेल एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है क्योंकि वो फेस टू फेस नहीं होता, ठीक बोला, वॉइस मेल भी रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट होगा क्योंकि हम तुमको ऑनलाइन मीडियम के थ्रू भेज रहे हैं ना। ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव आर द एग्जांपल ऑफ, ऑर्डर और डायरेक्शन कौन देता है, ऊपर वाला नीचे वाले को? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा जी, कम्युनिकेशन बिटवीन एच आर मैनेजर एंड सेल्समैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल, डायगनल एच आर मैनेजर एक अलग टीम होता है, एच आर टीम और सेल्समैन का टीम मार्केटिंग टीम अलग होता है, एच आर मैनेजर सेल्समैन को बोल रहे हैं, एच आर मैनेजर अपने जूनियर को नहीं बोल रहे हैं, सेल्समैन एच आर मैनेजर के अंदर नहीं आता ना। अच्छा, ये डायगनल है, डायगनल। अच्छा, बहुत बढ़िया एमसी भी लगाई। और सर लेटरल क्या होता है? लेटरल मतलब बाकी लोग बोलो, हॉरिजॉन्टल को लेटरल बोलते हैं, लास्ट क्लास बताए थे, हॉरिजॉन्टल को ही लेटरल बोलते हैं। डायगनल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज क्रॉसवर्ड, क्रॉस जा रहा है ना, अक्रॉस। कम्युनिकेशन बिटवीन एचआर मैनेजर एंड फाइनेंस मैनेजर इज
क्योंकि दोनों मैनेजर मैनेजर है। ऐसे एमसीक्यू आता है ना अच्छा लगता है, कुछ लॉजिक लगाने में वो रटा रटाया वाला जाम ना बेकार लगता, कौन बोला कौन किया इसका मीनिंग क्या है। बट ये वाला चीजें बढ़िया एमसीक्यू है क्योंकि इसमें ही तुम्हारा ब्रेन खुलता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन आर वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब ऐसे होता है ना, चाहे ऐसे अपवर्ड है डाउनवर्ड है, सीधा लाइन को वर्टिकल बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल बोलते हैं एक सोया हुआ लाइन को। द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ लाइन, हाँ सही। प्लेसमेंट एंड परचेज ऑर्डर टू सप्लायर ऑफ मटेरियल इज गैस कम्युनिकेशन। सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं परचेज का, इस टाइप का कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ही है ना। हाँ सर। रिसीविंग सेल्स ऑर्डर इज एन एग्जांपल ऑफ सेल का ऑर्डर मिल गया एक्सटर्नल। ए अच्छा बाहर से मिल रहा है सेल का ऑर्डर, तुम्हारा अंदर गया थोड़ी ना देर बाहर गए। डैश कम्युनिकेशन कैन बी इनवर्ड और आउटवर्ड, मतलब इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन जो इनवर्ड और आउटवर्ड हो सकता है, दोनों ही एक्सटर्नल। बेटा इनवर्ड कैसे हुआ, यहां पे बोला कैन इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों बोला है, एक्सटर्नल तो सिर्फ आउटवर्ड हो जाएगा, इंटरनल सिर्फ इनवर्ड हो जाएगा, मतलब ए और बी में कोई एक आंसर है। हॉरिजॉन्टल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है। दो अलग अलग कंपनी का मैनेजर बात कर रहा है तो ये हो गया एक्सटर्नल, और एक ही कंपनी का दो अलग डिपार्टमेंट का मैनेजर बात कर रहे हैं ये हो गया इंटरनल। ये सब एमसीक्यू करके मजा आता है, कुछ दिमाग लगाने में। नेक्स्ट वन कांगे, फंक्शनल कोऑर्डिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर कम्युनिकेटिंग विद फंक्शनल यानी काम वाइज कोऑर्डिनेशन, इसमें किसके साथ कम्युनिकेशन होगा। सबॉर्डिनेट के सुपीरियर फंक्शनल कोऑर्डिनेशन, हाँ सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट कम्युनिकेशन विद सुपीरियर इन्वॉल्व्स कंप्लेंट्स, क्योंकि तुम अपने सुपीरियर को डायरेक्शन नहीं दोगे, तुम अपने सुपीरियर को ऑर्डर नहीं दोगे, तुम अपने सुपीरियर को इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, तुम अपने सुपीरियर को कंप्लेन कर सकते हो कि सर ये काम ऐसे गड़बड़ हो रहा है ना। तुम तीनों काम अपने सुपीरियर को नहीं बोल सकते, यहाँ पे कम्युनिकेशन विद सुपीरियर बोला, अगर कम्युनिकेशन बाय सुपीरियर होता तो फिर ये तीनों होता। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट आर इंडिविजुअली एंड इंडिविजुअल वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग डिपार्टमेंट बोला है, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन होगा, इंटरनल भी तो होता है, लेकिन इंटरनल होता ठीक है, हाँ ये दोनों में से एक ऑप्शन होना था, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट बोला है यहाँ दोनों ही ऑप्शन होना चाहिए। एमसीक्यू में ज्यादा लेकिन मतलब सेंसिबल बनेगा हॉरिजॉन्टल, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट का बोल है। डिवाइस विच शोज द ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप, कौन सा तरीका ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप बताते हैं। स्केलर चेन नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, तो चार्ट बनता है ना कि ये कंपनी का एमडी होगा, इसके अंदर में ये चार मैनेजर होंगे, फिर इस मैनेजर के अंदर में ये चार सुपरवाइजर, तीन सुपरवाइजर होंगे, अब इस सुपरवाइजर के अंदर ये तीन वर्कर होगा, ये चार्ट ही तो बताता है किसका किससे रिलेशनशिप है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आंसर हो। प्रेज रिकॉग्निशन एंड पावर आर पॉजिटिव मोटिवेशन, मैनेजमेंट इज डैश आर्ट साइंस, आर्ट एंड साइंस ह्यूमैनिटीज, एवरी स्टेप दैट इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट्स,
is called decentralization, and any step that decreases it is called centralization. What it is about? ये कौन से बारे में बात कर रहे हैं? सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन लेकिन यार सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में तो बात है। हाँ ये देखो नन ऑफ दैबो या मोर देन मस्त एमसीक्यू दी है मोर देन वन ऑफ दैबो। हाँ सबसे सेफ ऑप्शन सर। हाँ क्योंकि इनफॉर्मल यहाँ फॉर्मल का भी बात हो रहा है सेंट्रलाइजेशन का भी बात हो रहा है। द पावर ऑफ क्यूबिक एंटरप्राइज विच मैन्युफैक्चर्स अ वैरायटी ऑफ बिस्किट्स इज मिस्टर अमन बोस द ओनर है सॉरी पावर बोल दिया गलती से द ओनर ऑफ क्यूबिक एंटरप्राइज मिस्टर अमन बोस है यहाँ पे एक बिस्किट बनता है। द ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट अनहैप्पी एंड द गोल वाज नॉट अचीव्ड ही आस्क्ड द असिस्टेंस ऑफ हिज सन ही आस्क्ड द असिस्टेंस ऑफ हिज सन केवल हु हैज जस्ट अर्नड हिज एमबीए तो अपने बेटा जो एमबीए का डिग्री करके आया है उसका हेल्प लेना चाह रहा है। To determine the causes, Keval discovered that his father was in charge of all the business decisions. As a result, the management was not able to take decision timely. Keval ये note किया कि इसका पापा ही सब कुछ control करना चाह रहा है, सब चीज का इंचार्ज इसका पापा ही है, जिसके कारण timely decision नहीं ले पा रहे। Identify which of the following type of management is followed by Mr. Aman Bose. Mr. Aman Bose कौन सा है? Centralization follow कर रहा। Which of the following is part of delegation process? इनमें से कौन सा काम delegation part of delegation है? Selecting the right person for the task, removing authority and responsibility, designing the organization and receiving feedback. ये नंबर होना चाहिए। Which of these defined as a social system of people who are structured and managed to meet some goal? Organization. Grouping of the marketing activities into areas of specialization such as advertisement, sales and marketing research comes under the concept of functional approach. काम को एक साथ कर रहे हैं ना काम वाला एक्टिविटी को एक साथ करने को बोलते हैं फंक्शनल। When jobs are grouped together based on a particular type of customer, this is known as job departmentalization. नहीं 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 डिपार्टमेंटलाइजेशन तो अलग डी नंबर क्या था बेस्ड ऑन पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर। हाँ जॉब स्ट्रक्चर कस्टमर जो जैसे कैशियर का जॉब अलग कर दिए बैंक में जब कोई आएगा तो रिसेप्शन का जॉब अलग कर दिए कस्टमर के हिसाब से जॉब को सेग्रीगेट किए। इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज हाई सेंट्रलाइजेशन The corporate headquarters are located central to branch office. The manager may call the decision. Lower level manager merely carry out decision. Problem can be quickly and efficiently solved. All top level officials are located within the same geographical area. D number. Which of the following characteristics is considered a natural element of leading? कंटिन्यूटी डेलीगेटिंग होगा क्या डेलीगेटिंग होना चाहिए ह्यूमैनिज्म भी तो हो सकता है ना क्योंकि तुमको टीम को साथ में लेके चलना पड़ता है लीड करने के लिए। रुको डेलीगेशन डेलीगेशन इज द नेचुरल एलिमेंट ऑफ लीडिंग ये भी याद करने लायक एमसीक्यू है। ठीक है तो ये भी खत्म। अब बचा केवल अपना अकाउंट्स का एमसीक्यू करें उसको भी आज आधा निपटाएं कल आधा निपटाएंगे। ठीक है रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट At all costs ensures adherence of fixed asset को record करने को कौन सा concept बोलते हैं cost concept। The accounting equation is based on dual aspect.
Ram started a business with 90,000 and buys goods for Shyam on credit of rupees 23,000. The accounting equation based on asset equal to capital plus liability will be goods khareeda 90,000 ka on credit. कैपिटल लगाया 90,000 का, तो इक्वेशन क्या बनेगा, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो कैपिटल लगाया 90,000 का तो वो कैश में भी आएगा, तो 90,000 यहाँ भी आया होगा कैश में, और फिर बोल रहा उधार में गुड्स भी बाई की है, तो स्टॉक बढ़ा है तो 23,000 यहाँ स्टॉक बढ़ा है और लाइबिलिटी भी बढ़ा है 23,000 से, तो इधर का टोटल हो रहा है 113,000 प्लस 90,000 प्लस 23,000, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट मींस ए नंबर एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस, नहीं 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 एक्सपेंसेस ए डी नंबर एक्सपेंसेस टू बी मैच विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड ओनली, उसी पीरियड के खर्चे से उसी पीरियड की कमाई को कंपेयर करने को मैच कराना बोलते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए। Journals are recorded the transaction of the firm in a B number periodical manner. Journal में chronology नहीं, नहीं एक मिनट, correct है correct B number. Journal में chronology होती है, serially maintain करते हैं ना। Bank overdraft account is a nominal personal. Bank overdraft किसी न किसी bank के नाम से होगा ना, लाइबिलिटी का लेजर है। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस का मतलब, पहले तो अनएक्सपायर्ड का मतलब बताओ, प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड प्रीपेड को बोलते हैं, अनएक्सपायर्ड मतलब जिसका अभी तक एक्सपायरी आया नहीं है पेमेंट का, बट हम पहले ही दे दिया, अब बोलो प्रीपेड क्या होता है, रियल पर्सनल नॉमिनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, हाँ पर्सनल पर्सनल, हाँ। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ पर्सनल अकाउंट शोज, पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है मतलब इनकम है, देना बाकी है। राम अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस भी दी है माने देना बाकी है, अमाउंट पेएबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शोज इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनमें से कौन सा आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखते हैं, ओनली आइटम ऑफ कैपिटल नेचर, only item revenue nature which are received during the period, only item of revenue nature preparing for the period of account, both item of capital nature which are received during the period, receipt and payment में capital nature revenue दोनों जाता है, बस मिलना चाहिए, मिला है तो लिख लो, और वह income and expenditure बोलता only revenue nature item, any income arising from special fund will be credited to D number special fund, उसी special fund में डाल देंगे ऐसे। There are 100 members each paying an annual subscription of 500. तो 100 into 500 कितना हुआ? 5,000 रुपया, 50,000 रुपया। The receipt and payment account shows arrears subscription of 4,500. तुमको income and expenditure में कितना जाएगा वो निकालना है। Arrears subscription मतलब मिलना बाकी है। तो मिलना बाकी add होगा। और तुमको बता रहे advance subscription भी है 6,000 का। Minus कर दूँ। माइनस कर देंगे और ये क्या लिखा है करंट 44,500, ये क्या है निकाल वो सर दिस ईयर रिसीव हुआ है वो भी तो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है रिसीव हुआ है 44,500 का तो हमको रिसीव में से एक मिनट रुको अमाउंट तो निकल ही गया सीधा सीधी तो 50,000 आंसर होगा 100 मेंबर है 500 रुपया फीस है तो इस साल का कमाई कितना माना जाएगा अरे आया नहीं आया उससे क्या मतलब तुमको तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा है 50,000 आंसर होगा व्हेन एन ओपनिंग स्टॉक 50,000 क्लोजिंग स्टॉक 40,000 परचेज 1,90,000 प्रॉफिट मार्जिन 16.67 ऑन सेल तो सेल्स कितना होगा सेटी फॉर्म में अकाउंट बनाइए ओपनिंग स्टॉक बोला है 50,000 परचेज बोला है 1,90,000
क्लोजिंग स्टॉक बोला है 40,000, 2 लाख होगा सर, 2 लाख का। और तुमको बोला जीपी मार्जिन 16.67 ऑन सेल्स है, तो आप पहले सीओजीएस निकाल ले, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस परचेज, तो 240 माइनस है 2 लाख मेरा सीओजीएस आ रहा है। अब 2 लाख सीओजीएस है, परसेंटेज ऑन कॉस्ट है 16.67 मतलब 1/6 20% होगा सर ये इसका, तो ये 1/5 हो जाएगा, तो 20% निकालना, 2 लाख का 20% 24,000 नहीं 40,000 तुम्हारा प्रॉफिट है, 40,000 अगर प्रॉफिट लिख ले तो तुम्हारा सेल्स कितना आ जाएगा, एक 90 प्लस 50 प्लस 40, 280 माइनस 40, 240 ठीक है। गुड्स ब्रॉड 25,000 पास थ्रू सेल्स डे बुक विल रिजल्ट इन, गुड्स खरीद के लाया 25,000 का उसको सेल्स में लिखे हैं, गुड्स ब्रॉड फॉर 25,000 बाबा रे खरीद के नहीं, नहीं नहीं लिखना था परचेज में, वही तो सर लिख दिया सेल्स में, तो डबल हाँ तो सेल बढ़ गया, ये जीरो हो गया, इसका इफेक्ट क्या होगा, नो इफेक्ट ऑन जीपी, डिक्रीज इन जीपी, डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट, इंक्रीज इन जीपी, इंक्रीज हो जाएगा जीपी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सा चीज ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस क्रिएट करेगा, सेल्स रिटर्न ट्रीटेड एज परचेज, सेल्स रिटर्न किधर लिखते हैं डेबिट में, परचेज भी डेबिट में, कोई इफेक्ट नहीं करेगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट एज सेल ये भी कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, राम अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इंस्टीट्यूट ऑफ सैम अकाउंट कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, अंडर कास्टिंग ये इम्पैक्ट करेगा, इन अ जॉइंट वेंचर एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, एक्स परचेज गुड्स कॉस्टिंग 40,000 एंड वाई सोल्ड गुड्स 50,000, एक्स इज एंटाइटेड टू गेट 1% कमीशन ऑन परचेज एंड वाई इज एंटाइटेड टू गेट 5% कमीशन ऑन सेल, प्रॉफिट निकालना है, 50,000 का माल था 40,000 तो कॉस्ट है, सॉरी 50,000 में बिका 40,000 तो कॉस्ट है, 10,000 का तो सीधा सीधी प्रॉफिट आया, अब कमीशन भी दोनों का माइनस होगा तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा, तो एक्स को क्या मिल रहा है 5% कमीशन ऑन परचेज, परचेज फिगर है 40,000, 40,000 का 1% 400 ये माइनस करो, और वाई को मिल रहा है 5% कमीशन ऑन सेल्स, 50,000 में माल बिका 50,000 का 5% 2500 एक 10,000 में से और 2500 गया 7,500 और 400 गया 7,800 बी नंबर आंसर, बी नंबर। व्हाट इज द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट पर्सनल अकाउंट, को वेंचर पर्सनल, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एप्लीकेबल अबाउट कंसाइनमेंट, इनमें से कौन सा बात कंसाइनमेंट के लिए एप्लीकेबल है, सेल ऑफ गुड, हाइपोथेकेशन ऑफ गुड, शिपमेंट ऑफ गुड, मॉर्गेज ऑफ गुड, शिपमेंट ऑफ गुड, नंबर हाँ सर गिरवी रखता है कंसाइनमेंट में, गिरवी रखता है सामान, हाइपोथेकेशन मतलब एक मिनट इसके आंसर देखते हैं, 17 नंबर का आंसर दिया होगा तुम, नहीं दिए ये वाला एमसीक्यू बुक में था, हाइपोथेकेशन में लिखा था, एक बार चेक, हाइपोथेकेशन मतलब हो गया किसी को अपना चीज हैंड ओवर करना, हाँ ये कंसाइनमेंट का एग्जांपल है, सही है सही है, हाइपोथेकेशन करना ही, रिटायरमेंट ऑफ बिल मींस बिल रिटायर हो जाना टाइम के पहले, हाँ सर ए तो डी नंबर, मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट, व्हिच ऑफ दीस डॉक्यूमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर बैंक रिकंसिलिएशन, BRS बनाने के लिए इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ पासबुक, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट नहीं चाहिए, इन एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, एक चेक का 1250 का डिपॉजिटेड इन टू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक का ऑडियो बैलेंस है मतलब अपने पासबुक को एडलेस कर सकते हैं, ठीक है बोला 1250 का चेक डिपॉजिट किए बैंक में लेकिन अब तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, पासबुक बढ़ गया कैश बुक डाउन है और हम पासबुक को एडलेस कर सकते हैं तो माइनस करेंगे, कांग्रेस डायरेक्टेड 1250
नेक्स्ट विच ऑफ दिस एरर आर इफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट नहीं तो कौन सा एरर ऑल ऑफ देम विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल 4000 रिसीव फ्रॉम श्याम क्रेडिटर टू श्यामू अकाउंट 5000 इंकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट ये वाला है ना इंस्टॉलेशन तुम्हारा एसेट नेचर का आइटम हुआ तुम उसको खर्चा में डाल दिए ठीक है नेक्स्ट वन इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट आर रीवैल्यूड द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट ऑन द रिवैल्यूड अमाउंट ओवर द एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ सच एसेट हां डी नंबर ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स जब सेल रिकॉर्ड करते हैं इफ रिकॉर्डेड इन नॉट रिकॉर्डेड इन नॉट रिकॉर्डेड ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते अ डेबिट नोट इज इशूड टू अ क्रेडिटर फॉर गुड्स रिटर्न इज टू बी रिकॉर्डेड इन दी परचेस डेबिट नोट है ना डेबिट नोट कौन देता है परचेजर तो परचेज डे बुक में रिकॉर्ड होगा परचेज रिटर्न बुक द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ उस साल का खर्चा उसी साल लिखना है पीरियडिक कंसेप्ट उस साल का खर्चा उसी साल लिखना है पीरियडिक कंसेप्ट डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कैश क्रेडिटर कम हो रहा मतलब पेमेंट हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस टू बी शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एडवांस है ना लायबिलिटी एडवांस में मिला है मतलब मेरा जिम्मेदारी बनता है उसको जिंदगी में मेंबर बना के मतलब आगे का मेंबर बना के Which of the following of accounting equation? Capital is equal to asset plus liability. नहीं ये भी नहीं सही Asset equal to capital plus liability. Option D. Asset equal to capital. नहीं. Option B. Capital is equal to asset minus liability. हाँ capital is equal to asset minus liability. Why draw the trade bill of 12,000 for 6 months on X? After holding a bill for 2.5 months, why discounted the bill with banker? The amount of discount will be 12,000 into 10% यानी 1200 into ढाई महीना बीता है 6 महीने का बिल था और कितना टाइम बचा है 3.5 महीना 3.5 by 12 1200 into 3.5 by 12 कर लो आंसर आ जाएगा 350 सर 350 Bills receivable books is a part of PL C number balance sheet अच्छा B के पास balance sheet होगा sir X of Delhi send out certain goods at cost plus 25% on cost invoice value of goods invoice value यानी इसमें added है added sir तो ये 1,20,000 आईपी वैल्यू है जबकि परसेंटेज ऑन कॉस्ट है सीपी पे 1/4 था मतलब एसपी पे 1/3 होगा सॉरी 1/5 होगा तो 1,20,000 में 1/5 का प्रॉफिट घुसा हुआ है ठीक है 4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय कंसाइनी 4/5 1,00,000 कमीशन 2% अप टू द इनवॉइस वैल्यू एंड 10% ऑफ एनी सरप्लस अबव इनवॉइस वैल्यू कमीशन का अमाउंट निकालने बोला है तो तुम गुड्स का इनवॉइस वैल्यू तो तुमको पता है 1,20,000 1,20,000 का 4/5 बेचा है 1,20,000 का 4/5 कितना होगा पहले हम आईपी पे निकाल रहे हैं हाँ 96,000 तो 96,000 का गुड्स वो 1,00,000 में बेचा है ठीक है ना तो 96,000 तक तो उसको कितना कमीशन मिलेगा 2%
और उसके ऊपर जो बेचा है वो कितना में बेचा, एक्स्ट्रा 4,000 में, तो 4,000 भी उसको मिलेगा और 10%, 96,000 का 2% कितना होगा, 960 प्लस 960, 1920 प्लस 400, 4,000 का 10% 400, 1920 प्लस 400 2320, ठीक है, ये समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट, इफ को वेंचर टेक अवे गुड्स अंडर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, ही विल डेबिटेड दीज गुड्स इन हिज बुक्स टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर बैड डेट रिकवरी अकाउंट इज डेबिटेड टू डेटा, क्रेडिटेड टू डेटा, क्रेडिटेड टू पीएल, पीएल के क्रेडिट में डाल देंगे बैड डेट रिकवरी को। एज रिगार्ड टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लीगेसी शुड बी कैपिटलाइज्ड, सेल्स ऑफ 6570 रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज 6750, सच एरर इज अमाउंट का गलती हुआ है, एरर ऑफ कमीशन। विच ऑफ द इज फॉलोइंग करेक्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ, ये बोलो कौन सा करेक्ट है, डी नंबर ओपनिंग स्टॉक नहीं, नहीं डी नहीं, गलत है, ए नंबर ही होगा, ए नंबर होगा, हाँ डी होगा ना, ने अरे ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू सी ओ डी एस होता है, सी में ही आ रहा है, सी में आ रही है, हाँ सी में आएगा, क्योंकि इस ओपनिंग को इधर भेजोगे तो माइनस होगा और इस क्लोजिंग को इधर भेजोगे तो प्लस होगा, यानी परचेज इक्वल टू सी ओ डी एस माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ये रहा परचेज इक्वल टू सी ओ डी एस माइनस प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड एज पर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के लिए प्रोविजन बनाते हैं अपने, हाँ सर। एक मिनट, नेक्स्ट पेज, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन इन दी बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बोला गया बैलेंस शीट में डाल। फिर बोला इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल इज परचेज इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, गुड टेकन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज क्रेडिटेड टू परचेज, ड्रॉइंग टू परचेज होता है ना, तो क्रेडिट किस में कर रहे हो, परचेज अकाउंट, अ कैश बुक विद डिस्काउंट, ड्रॉइंग में चाहिए ना सर, ए भाई ड्रॉइंग में डेबिट होगा ना, यहाँ पे क्रेडिटेड पूछे, कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम इज कॉल्ड ट्रिपल कॉलम कैश बुक, हाँ डिस्काउंट एंड बैंक दोनों बोल दिया, नहीं नहीं ये तो दो ही तो बात बोल रहा, डिस्काउंट एंड बैंक, कैश कॉलम नहीं बोला, बैंक कॉलम होती है, कैश कॉलम तो रहती है, जरूरी है रहता है, ये कंपलसरी नहीं है, होना तो डबल कॉलम चाहिए, टू कॉलम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम इज
टू कॉलम सही बोला, क्योंकि यहाँ पे खाली बोल रहा है बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम, जरूरी नहीं है कि हर कैश बुक में कैश का कॉलम हो गए, कंपल्सन नहीं है, तो टू कॉलम कैश बुक क्या लाई गई। अच्छा एमसीक्यू था, ठीक है। द पीरियडिकल टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड डेबुक इज पोस्टेड टू रिटर्न इनवर्ड डेबुक का जो फाइनल टोटल आता है उसको कहाँ डालोगे? बी सेल्स रिटर्न। हाँ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज फ्रॉम डे बुक टू लेजर इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। Which financial statement represent the accounting equation as minus asset? ये minus है ना? अच्छा उससे फर्क नहीं पड़ता। Asset equal to liability as owner's equity. Which financial statement represent balance sheet? Balance. The depreciation account is closed at the end of the year by transfer to the depreciation को कहाँ भेज देते हो? ये लगाओ। The original cost of the machine is 19 lakh. मशीन इंस्टॉलेशन चार्ज 1 लाख, वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन 5 साल, रेसिडुअल चैलेंज है, बताओ स्ट्रेट लाइन के हिसाब से डिप्री कितना होगा फोर्थ ईयर में? सर सब ईयर में सेम ही होगा, तो 19 लाख माइनस 1 लाख 18 लाख, सर 19 लाख प्लस 1 लाख 20 लाख, 20 लाख माइनस 40 हजार 19 लाख 60 हजार, 19 60 डिवाइडेड बाई 5 साल, कितना होगा? बोलो सर। ए नंबर 3 72 आ रहे हैं सर। एक मिनट सर। 19 लाख 60 हजार 5 कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठते हो, इतना देर नहीं लगना चाहिए। नंबर सर 3 लाख 3 लाख 92 19 60 हजार 5 3 लाख 92 थाउजेंड सी नंबर आंसर हो। व्हेनेवर एरर आर नोटिस इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड दे शुड बी रेक्टिफाइड। बी नंबर विदाउट वेटिंग फॉर अकाउंटिंग ईयर टू एंड। हाँ जब मिले एरर तभी ठीक करोगे ना। अ परचेज ऑफ 49,500 फ्रॉम शिवा वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज 59,400 द प्रॉफिट वुड शो। परचेज को ज्यादा लिख दिए हैं, परचेज ज्यादा लिखेंगे तो प्रॉफिट घटेगा ना। हाँ सर। तो इससे क्या अंतर होगा? डिक्रीज ऑफ 9,900 ठीक है। हाँ सर। फ्रॉम द कॉलम डिटेल असर्टेन द एडजस्टेड बी बैंक सेस पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट। कैश बुक ओवरड्राफ्ट का मतलब पासबुक को चेंज कर सकते हो। 1,60,000 का बैलेंस है उसमें एड और लेस क्या होगा वो देख लो, अपने पासबुक को अप डाउन करेंगे, एक एंट्री है वो ट्वाइस कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, ये अपने कल किए थे, ये अपने कल किए थे सेम डेट पे, इसको ऐड करेंगे 10,000। और वैसे ही बोला क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम का शॉर्ट 1,000 रुपए के क्रेडिट साइड, बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड मतलब एक्सपेंसेस साइड, एक्सपेंसेस साइड कम दिखाए मतलब बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक हाई या पासबुक लो है, एडी ऐड करेंगे 1,400 माइनस हो, कल ये किए थे अभी ठीक है। देन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज स्ट्रेट पॉइंट ऑफ अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देन बैंक चार्जेस आर, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है मतलब फेवरेबल बैलेंस। हाँ सर। और तुमको बोल रहा है बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस भी पासबुक कम हो गया कैश बुक हाई है ऐड बैक कर देंगे, कम करेंगे ना। पासबुक में तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ होगा ना बैंक चार्जेस है, बैंक चार्ज काटता है, बैंक डायरेक्टली चार्ज काट लेता है बिना बताए, तो पासबुक कम हो गया कैश बुक आई और पासबुक को ही जला सकते हो ऐड बैक हो। एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ एन एंडोर्स बिल विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय द ड्रॉई, ड्रॉई के बुक्स में क्या एंट्री होता है? एंडोर्स है कोई भी बिल डिसऑनर हो बीपी टू ड्रॉअर वो एंट्री करता है, ड्रॉई के बुक्स में एक ही एंट्री है बीपी टू ड्रॉवर, कोई भी बिल हो एंडोर्स हो रिटेन्ड हो डिस्काउंटेड हो कुछ भी हो
तो यहाँ पे बोला विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय द ड्रॉइंग, अकाउंट ड्रॉवर के बुक्स को क्रेडिट करेगा। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड वाज 32,000 वुड बी शोन इन, कहाँ दिखाएंगे? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, लॉजिकल एक बिल। हाँ बी नंबर एक एट द एक बिल है जो हम डिस्काउंट करा के रखा है बैंक से, बीआर ही तो है सर। बेटा जी बैंक से डिस्काउंट हो चुका, अब तुमको कोई पैसा मिलने का हक बचा है क्या? नहीं सर, नहीं सर। बी नंबर होगा, सी नंबर होगा, सी नंबर नोट में लिख के रखेंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी है बेटा। अगर तुम्हारा ड्रॉइंग बैंक को नहीं दिया पैसा, बैंक वापस तुम्हारा गला पकड़ सकता है आगे। ये टाइप का क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है? कंटिंजेंट लायबिलिटी को कहां लिखते हैं सर? बैलेंस शीट में नहीं लिखे, लायबिलिटी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर मैंने ड्रॉइंग बैंक को पैसा दे दिया तो हमको कुछ नहीं देना, और नहीं दिया तो बैंक वापस मेरे से मांगेगा, हमको बैंक को देना पड़ सकता है। इसको नोट में लिख के रखेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है? नोट नीचे नोट देंगे, बहुत काम का क्वेश्चन था इसीलिए। एक्स समझ में आया सबको? हाँ सर। एक्स सेंड आउट गुड्स टू वाई कॉस्टिंग 3,60,000, गुड्स टू बी सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25% ऑन सेल्स। 3,60,000 कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग ये हमेशा फिगर के पहले ठीक पढ़ लेना, कॉस्टिंग है ये इनवॉइस वैल्यू है क्या है, तो 3,60,000 कॉस्टिंग है लेकिन परसेंटेज ऑन सेल है, तो 1/4 ऑन सेल है तो 1/3 ऑन सीपी होगा, है ना? 33 होगा। 3,60,000 का 1/3 कितना होगा? 12,000 मतलब 120,000, 120,000 तो ये हो जाएगा 480 का गुड्स, मतलब इनवॉइस वैल्यू सेल वैल्यू इसका 480 है। द कंसाइनर आज कंसाइनिंग टू पे इन एडवांस फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ सेल वैल्यू। फालतू क्वेश्चन बड़े हम पूरा बैठे। हाँ नहीं नहीं ठीक है, सेल वैल्यू कितना होगा? 480 है, ठीक है ठीक है, काम का पड़ गया। 480 का 60% वो बोल रहे हैं एडवांस दे दो, ए नंबर शायद, निकाल दो ना बाबा 480 का 60%, कैलकुलेटर लेकर बैठो बेटा। सर यहीं पे दिखा 6×24 ना 2,80,000, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, एक्स सेंड आउट सर्टेन गुड्स टू वाई कॉस्टिंग 1,50,000 एट कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्टिंग बोला है 1,50,000 कॉस्टिंग है गुड्स का, और वो भी 25% ऑन इन्वॉइस प्राइस। सेम कहानी, 1/4 ऑन आईपी है तो सीपी पे 1/3 हो जाएगा, तो 1,50,000 का 1/3 50,000, मतलब 2,00,000 का गुड्स भेजा हुआ है, 2,00,000 आईपी वैल्यू है गुड्स का। 3/4 ऑफ द गुड्स, 3/4 ऑफ द गुड्स वेयर सोल्ड एट 1,76,000, तो 2,00,000 का 3/4, 1,50,000, 1,50,000 रुपया का सामान को 1,76,000 में बेचा, मतलब 26,000 एक्स्ट्रा में बेचा है। बोला 5% तो इन्वॉइस पे कमीशन मिलेगा, मतलब 1,50,000 पे 5% मिलेगा, और एक्स्ट्रा जो भी सरप्लस है उस पे और 10% मिलेगा, तो 1,50,000 का 5% क्षेत्र में मिलेगा ना सर, 5%। हाँ सर, 1,00,000 क्षेत्र पे, क्षेत्र पे, क्षेत्र पे, एक क्षेत्र पे मिलेगा। हाँ एक नहीं नहीं 1,50,000 पे, तो इनवॉइस वैल्यू बोला है ना, एक क्षेत्र का इनवॉइस वैल्यू कितना है? 5% अब तो इनवॉइस वैल्यू बोला, इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू कितना है एक क्षेत्र में तो बेचा है बेटा, ठीक है ना? एक क्षेत्र का इनवॉइस वैल्यू 1,50,000 है, तो 1,50,000 का 5% मिलेगा, तो 7,500 यहाँ मिला, और एक्स्ट्रा कितना में बेचा वो 26,000, 26,000 का 10% और 2,600 मिलेगा, और मतलब 10,100, ठीक है आनंद? हाँ सर। यहाँ नहीं बोला उसको 5% ऑन सेल वैल्यू मिलेगा, 5% इन इनवॉइस। बेटा जी किसका परसेंटेज वो बहुत अच्छे से पढ़ो, नहीं तो बर्बादी होती, एक मिनट लगेगा। ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2,00,000 अगेन कॉस्टिंग फॉर जॉइंट वेंचर विद बी, बी सोल्ड मेजर पार्ट ऑफ द गुड्स फॉर कॉस्ट प्लस 25% ऑन कॉस्ट, दोनों कॉस्ट पे है, तो 2,60,000 का सीधा 25% निकाल दो, 31 का आधा
2,60,000 का आधा हो गया 31, 1,00,000 का आधा 50,000, 30,000 का आधा 15,000, 65,000। तो 65,000 प्रॉफिट में मिल गया। 260 प्लस 65 कितना होगा? 325। 325 में बेचा है। बैलेंस ऑफ द गुड बी ले लिया कॉस्ट लेस 10% के, तो बताओ प्रॉफिट कितना होता है? यहाँ तो 65,000 का प्रॉफिट हुआ है, बैलेंस कितना बचा है? दो लाख साढ़े हजार का थ्री कितना भेज दिया वो? एक मिनट, मेरा गलती हो रही। मेजर पार्ट बोल रहा है। हाँ, हम कुछ बहुत हड़बड़ी में पड़ गया, बहुत हड़बड़ी में कुछ पड़ गया जिसमें कुछ एरर छूट गया मुझे। यहाँ पे क्या बोला है? ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2,60,000, कोई भी मेजर पार्ट। हाँ, 20, ये 2,50,000 में बेचा है, ये फिगर मिस हो गया। तो 2,50 सेल वैल्यू है ये, लेकिन परसेंटेज तो ऑन कॉस्ट है। तो 25% ऑन सीपी मतलब 1/4 ऑन सीपी, तो एसपी पे 1/5। 2,50 का 1/5 कितना होगा? वो प्रॉफिट है। 2,50 का 1/5 कितना होगा? 50,000। ठीक है ना? मतलब 2,00,000 का सामान वो बेचा है 2,50,000 में, तो 2,00,000 का सामान वो बेचा, 2,60,000 का टोटल सामान था, तो मतलब बाकी 60,000 का सामान भी घर ले गया। ठीक है, वो भी 10% कॉस्ट लेस कॉस्ट पे, यानी 54,000 में ले गया। मतलब यहाँ पे 6,000 का लॉस खाया कंपनी और यहाँ 50,000 का प्रॉफिट कमाया। 50 - 6 44,000 का प्रॉफिट हुआ। मस्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट आर मेंटेन इन जेबी व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड? ऑल ऑफ द अबव। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट बैलेंस ऑफ बैड डेट रिकवरी अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएल। पीएल इन केस ऑफ नॉट फॉर मतलब इन केस ऑफ एनपीओ एंडोमेंट फंड रिसीव्ड इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीव। एनी डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड या स्पेशल फंड, आइदर अपनी स्पेशल फंड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो सब्सक्रिप्शन ऑफ 2,50,000, सब्सक्रिप्शन मिला है 2,50,000 का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा रहा है, मिला नहीं है, मतलब टोटल इस साल का कमाई है वो, जिसमें से सब्सक्रिप्शन अकाउंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर 25,000, एंड ऑफ द ईयर 37,500, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना जाएगा? सर नॉर्मली हम क्या करते हैं, बिगनिंग को माइनस कर क्लोजिंग को ऐड करते हैं ना, सीधा सीधी जब जाना होता है या उल्टा जाना है। मेरे को 2,50,000 बता दिया जो इनकम स्पेंड के अकाउंट में जा रहा है, सीधा सीधी जब जाते हैं तो ओपनिंग अक्रूड एड माइनस करते हैं, क्लोजिंग अक्रूड ऐड करते हैं, या उल्टा होगा, ओपनिंग माइनस होगा क्लोजिंग ऐड, ओपनिंग ऐड होगा क्लोजिंग माइनस होगा। ठीक है, तो 2,50,000 में 37,500 माइनस होगा, 25,000 ऐड होगा, मतलब 12,500 माइनस होगा, मतलब 2,37,500। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक? ट्रेड डिस्काउंट अलाउड है, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर परचेज बुक। हाँ, परचेज बुक में गुड्स रिकॉर्ड होता है, फिक्स एसेट नहीं। हाँ हाँ सर, और कैश बुक में तो कैश में होता तब होता। चलिए बात कीजिए इसके ऊपर, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट अक्रूड मीन्स प्रीपेड। बोले ना, ड्यू डेट नहीं आया लेकिन हम पहले पे कर दिए, अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड। टिल द डिस्काउंटिंग बिल इज पेड बाय द एक्सेप्टर इट मीन्स ए। हाँ, जब डिस्काउंटेड बिल जब तक पेमेंट नहीं हो तब तक उसको कंटिन्यूअस लायबिलिटी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ ईयरली डेप्रिसिएशन अंडर WDV मेथड डिक्रीज ईयर बाय ईयर। हाँ, डिक्रीज ईयर बाय ईयर। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए
but wrongly entered in the account of Mr. B. The rectification of error will be purchase to A होना था, purchase to B कर दिए। कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा ये सिर्फ हम जनरल एंट्री ढूंढ रहे हैं, ठीक है, हाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा। पुराना कोई दिया हुआ सर्विस का कैश अब मिल रहा है। प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्या? पुराना सर्विस का पैसा अब मिल रहा है। करंट एसेट बढ़ेगा, करी कैश बढ़ेगा ना, प्रॉफिट तो पहले रिकॉर्ड कर लिए होंगे बेटा। ये साल उधार में भी सर्विस दिए होंगे, उस साल सेल नहीं बुक किए होंगे, होंगे ना? हाँ, तो किए होंगे, उसी साल का नेट प्रॉफिट पे तो इंपैक्ट हो गया होगा, तो ना कैपिटल बढ़ेगा, खाली करंट एसेट बढ़ेगा और करंट नहीं, करंट एसेट भी तो चेंज नहीं होगा क्योंकि डेटर कम हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा ना। उत्तर समझ में आया वाला आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाँ सर, हाँ सर, नन आंसर होगा क्योंकि पुराना पैसा अब मिला है, तो मेरा डेटर में बुक किया होगा कि मिलना बाकी है, तो डेटर कम हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा, तो हिसाब से बैलेंस शीट के एसेट में पूरा हो गया रहेगा, कोई इम्पैक्ट ही नहीं। स्टॉक इन हैंड ऑफ द कंसाइनी इज वैल्यूड कॉस्ट प्राइस आफ्टर इंक्लूजन ऑफ प्रोपोर्शनल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। कंसाइनी के पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है उसमें कंसाइनर और कंसाइनी का खर्चा ऐड करके अपने निकालते हैं ना, नॉन रिकरिंग खर्चों को ऐड करते हैं। नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय ड्रॉइंग, नहीं, पेड बाय बोला, पेड बाय बियर्ड बाय बोलना क्यों? सर ड्रॉइंग तो होगा एंड में, तो वही पेड एंड में पे होगा सर, बताइए एक बार नोटिंग चार्जेस पे कौन कर रहा है, ऐसे तो ड्रॉइंग होना चाहिए। The valuation procedure to stock is cost or NRV, whichever is lower. The procedure followed by stock को cost और market value whichever is lower पे लिखते हैं, cost और net realizable value whichever is lower पे लिखते हैं। ये कौन सा concept है? Conservatism concept। समझ में आया इसका answer या बताएं? नहीं सर, clear है। When income recognized on cash basis and expenditure recognized on accrual basis, the system termed as, हम कमाई को cash basis पे लिख रहे हैं, खर्चों का accrual basis पे। सर डी हो क्या? Hybrid mode. Which one is not considered as capital expenditure? Depreciation, सर ये थे ये। Legal charges paid to defend a suit for factory site is revenue. हाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खरीदते वक्त कहते तो ये होता है, यहाँ पे फैक्ट्री साइड का केस को डिफेंड करने का बात कर रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर बाय फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। द ट्रायल बैलेंस चेक, नेचर ऑफ बैलेंस, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, करेक्टनेस ऑफ कैश इन एंड अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेज फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर विच इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस को एक साल से अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है, किस अकाउंट पे इंपैक्ट होगा? बहुत पीएलसी रियल और पर्सनल अकाउंट पे इंपैक्ट होगा, नॉमिनल को तो कैरी फॉरवर्ड करते ही नहीं है। एसेट्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, डेटा क्रिएटर को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, एसेट हो गया रियल अकाउंट और डेटा क्रिएटर हो गया पर्सनल अकाउंट। इफ अ बिल ड्रॉन ऑन 13 जुलाई 2018 फॉर 60 डेज, द पेमेंट मस्ट बी मेड ऑन मस्त है 13 जुलाई है, तो उस जुलाई में कितना महीना होता है? 31 दिन होता है। 31 माइनस 13 कितना होगा? नहीं, 31 माइनस 12, 13 जुलाई को गिरेंगे, 31 माइनस 12 19 दिन, ठीक है, फिर अगस्त का, फिर 31 दिन, मतलब ये हो गया 50 दिन प्लस 10 और यानी सितंबर का 10 11 12 13 13 सितंबर मेरा बर्थडे के दिन,
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इज प्रिपेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? ए नंबर तो असेट ऑन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है? अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है. ए साल बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है. सही बात. एनी रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर दिस सेपरेट फंड इज अवेलेबल विल बी डेबिटेड टू सेपरेट फंड. उसी फंड से कटेगा. अगर फंड है तो उसका खर्चा उसी फंड से कटेगा. मतलब उस अकाउंट को डेबिट करेंगे. फंड लाइबिलिटी या क्रेडिट होता है कम करना है मतलब डेबिट करेंगे. डैश इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. बी नंबर सर. होगा सर. कीप रिकॉर्ड इन सिस्टमैटिक मैनर. क्या बात करते हैं सर? फाइनेंशियल पोजीशन बताता है ये बिजनेस का एनालिसिस करते हैं या रिकॉर्डिंग मैनेजमेंट करेंगे? अरे भाई अकाउंटिंग पूछा है ना तो मैनेजमेंट को. हाँ या मैंने नहीं किया कि मैनेजमेंट नहीं करें. हाँ एनालाइज द रिकॉर्ड डेटा नहीं करता. डेटा बना के देते नहीं है लेकिन डेफिनेशन में तो पढ़ते हैं एनालाइजिंग. रिकॉर्डिंग तो रहता ही सर हम लोग. एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ये भी तो बात है. और फाइनेंशियल पोजीशन तो असेट इन करते ही. प्रॉफिट एंड लॉस निकालना रॉन्ग है ऑप्शन. और हम लोग तो डेफिनेशन पढ़ते ही रिकॉर्डिंग एनालाइजिंग समराइजिंग. लेकिन ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना एक थोड़ा सा ऑड लग रहा है. डेफिनेशन में ये नहीं बोलता है कहीं पे ना सर. ये कहीं नहीं. ये कहीं बोलता नहीं है. रिकॉर्डिंग एनालाइज रिकॉर्डिंग भी बोलता है एनालाइजिंग भी बोलता है और फाइनेंशियल पोजीशन बताना भी बोलता है. हाँ समराइज करना भी तो पोजीशन निकालना होगी. हाँ तो गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर ट्रांजेक्शन? नॉट अ पेपर ट्रांजेक्शन. डी नंबर. कैश स्टॉलन फ्रॉम ऑफिस. ये पेपर ट्रांजेक्शन. बाकी चीजों में कोई पैसा आता जाता नहीं है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? डेमोलिशन कॉस्ट. ठीक है सही है. पुराना बिल्डिंग तोड़ के नया बिल्डिंग बनाते हैं ना तो नया बिल्डिंग का अगर 50 लाख लगा पुराना बिल्डिंग तोड़ने का भी 2 लाख लगा तो 52 लाख पूरा नया बिल्डिंग का कॉस्ट मान लेते. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज द कंपनी इज पेपर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डज फुलफिल द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बार क्या है बता दें. डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ जो हम लोग एक बार में करते हैं लेकिन उसको हर साल थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड करते हैं. अमिताभ बच्चन को 50 लाख दे के हम एडवर्टीजमेंट के लिए बुलाया. हम पूरा 50 लाख अपने खर्चे में नहीं लिखना चाहता. याद आया मेरा एग्जांपल? हाँ सर. डैश डज नॉट फुलफिल द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर. डज द फुलफिल सॉरी कैशबुक. कैशबुक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल पर्सन? SBI. Accounting cycle ends with preparation of financial statement. नहीं closing entry. Closing entry के साथ cycle खत्म होता है ना. General paper is used to record bad debt recovery, all cash purchase, return of bad debt, purchase of goods, return of bad debt. ये किसी में नहीं जाएगा ना. cash book में जाएगा नहीं. नहीं सर. ये ना गुड्स है तो परचेज डेबिट सेल डेबिट परचेज रिटर्न बुक सेल रिटर्न बुक में भी नहीं जाएगा ना. ये BRBP है तो बचा क्या जनरल पेपर. इन केस ऑफ डिपॉजिटेड ऑफ अ चेक इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड द बैलेंस इज लेस एज पर किसमें कम हो रहा है? कैश डिपॉजिटेड चेक बट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड. हम कैश बुक को बढ़ा दिया पासबुक कम है तो बैलेंस एज पर पासबुक अभी भी पासबुक में बैलेंस कम है ना. बैलेंस एज पर नहीं एक मिनट क्वेश्चन बोल रहा है अगर हम डिपॉजिट के चेक कर बैंक में बट नॉट कलेक्टेड कैशबुक बढ़ा दिए पासबुक डाउन है तो कौन सा वाला बैलेंस दिया जाएगा जब माइनस करेंगे? कैशबुक बैलेंस दिया जाएगा तब माइनस करना पड़ेगा ना या फिर पासबुक ओवरड्राफ्ट देगा तब भी माइनस करना पड़ेगा.
कि क्या कर रहा है? इस ऑफ डिपॉजिट ऑफ चेक इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, क्या तू बढ़ा दिया पासबुक डाउन? तो माइनस कब करेंगे? जब बैलेंस एज पर कैशबुक दिया रहेगा, एंसर कैशबुक, ठीक है? समझ में आया ये वाला? हाँ सर। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज मनी मेजरमेंट के अनुसार नॉन फाइनेंशियल में मनी का वैल्यू नहीं पता चलता आपने। नरेशन इज गिवन एट द एंड ऑफ फालतू क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट? क्रेडिटर। रुपीज 5,000 इनकर्ड फॉर अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर बाय इंस्टॉलेशन ऑफ 122 MB रैम। कैपिटल एक्सपेंडिचर। 100 की तरफ पहुंच के रुक जाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेस्ड फॉर रीसेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज कंप्लीटेड बाय फायर इज अ कैपिटल रिसीव्ड। एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर व्हेन इट रिसीव द अमाउंट इज गोइंग टू फीड टू परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, इट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट, इट इज पेड एज इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बिजनेस, इट मेंटेन्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये नंबर। हाँ। A withdrawal of cash from business by the proprietor should be credited to withdrawal of cash, so drawing to cash, so credit over cash. Cash book is a form of all of them. नहीं trial balance थोड़ी नहीं है। Cash book trial balance थोड़ी नहीं है। Ledger ही मारी तब ledger होगा तो ये number। Cash book is a form of ledger। हो गया। आगे ही रुक रहे हैं?